नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे 16वां आईपीएल मुकाबला जो खेले जाने वाला है दिल्ली कैपिटल वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। दोस्तों, मुकाबला राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम की पिच पर खेला जाएगा 3 अप्रैल को और 7:30 पर मुकाबला स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी फैंटेसी टीम किस प्रकार से होनी चाहिए, दिल्ली की टीम से दोस्तों कौन सा ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेगा, अगर सेफ खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों डेविड वॉर्नर प्लस में पृथ्वी शो ओपनिंग बैट्समैन है, उसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श, तीनों में से कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या दोस्तों तीनों फ्लॉप होंगे या फिर तीनों हमें ड्रीम टीम में देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों इधर केकेआर की टीम से बात करें तो दोस्तों यहां पर वेंकटेश अय्यर इंपॉर्टेंट है, या फिर दोस्तों सुनील नारायण के अकॉर्डिंग सीवीसी ट्राई करके चलें, या फिर दोस्तों फिलिप साल्ट इंपॉर्टेंट होगा, या फिर दोस्तों यहां पर ऑलराउंडर के अकॉर्डिंग आंद्रे रसल को कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलें, तो कौन सा खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा जो एक ड्रीम टीम में कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टन देखने को मिल सकता है। प्लस में दोस्तों कितने ट्रंप प्लेयर होंगे आज के मैच में दोनों टीमों की तरफ से, कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा बॉलर दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाला है, कौन सा ऑलराउंडर दोस्तों बैटिंग से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा, प्लस में उसका सबसे लो सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखते चलना, वीडियो को लाइक करके रखना, चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लस में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक शानदार गिववे कैश प्राइज लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आप 1 रुपए में 50,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। तो कैसे आपको दोस्तों यह प्राइज मिल सकता है और कैसे आप इस कॉन्टेस्ट में खेल सकते हो, वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखते चलना। बात कर लेते हैं सबसे पहले राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम की जो पिच है वो दोस्तों किस प्रकार से है, बॉलिंग ऑर्डर यहां पर क्या परफॉर्मेंस करता है, बैटिंग ऑर्डर दोस्तों कितने रन यहां पर बना सकता है, तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच आपको बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी, टोटल इस पिच पर अभी तक 14 मैचेज खेले गए हैं, जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं, सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने भी दोस्तों यहां पर 7 मुकाबले विन किए हैं। बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर की, तो जो टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है, चाहे यहां पर केकेआर की टीम बैटिंग करे या फिर दोस्तों दिल्ली कैपिटल की टीम पहले बैटिंग करे, तो यहां पर जो एवरेज स्कोर है लगभग 160 के करीब आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर मुंबई इंडियंस की टीम का है 206 रन, सबसे कम स्कोर भी मुंबई इंडियंस का है, ओनली 92 रन पे ऑल आउट है। तो यहां पर दोस्तों जो लास्ट के जो 5 मैचेज खेले गए थे उसमें दोस्तों पेसर्स को यहां पर 34 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को दोस्तों 24 विकेट मिली थी, यानी कि पेसर्स भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, प्लस में स्पिनर्स भी दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं। एक दोस्तों यहां पर 2024 में एक मैच खेला जा चुका है, तो उसके बारे में बात करेंगे दिल्ली वर्सेज सीएसके के बीच में, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा था, स्पिनर्स को कितनी विकेट मिली थी, प्लस में दोस्तों यहां पर पेसर्स ने कितनी विकेट निकाली थी। तो बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, तो यहां पर दोस्तों टोटल 14 जो मैचेस खेले गए हैं उसमें 150 से नीचे 6 बार स्कोर देखने को मिला है, 150-170 के बीच में 2 बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 3 बार स्कोर है, 190 से ऊपर दोस्तों यहां पर 3 ही बार स्कोर देखने को मिला है। तो बात करेंगे दोस्तों रीसेंट के मैचों के बारे में, जो 2024 में यहां पर जो पहला आईपीएल का मैच खेला गया है दिल्ली वर्सेज सीएसके के बीच में, यहां पर दोस्तों दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 191 रन का टारगेट रखा था और सीएसके की टीम दोस्तों चेस नहीं कर पाई थी, ओनली 171 रन ही बना पाई थी 20 ओवर में। यहां पर दोस्तों 2 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 9 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली। फिर दोस्तों 2019 में मैच खेला गया, इस मैच में 4 विकेट स्पिनर्स ने निकाली थी, 10 विकेट यहां पर पेसर्स ने निकाली थी। फिर दोस्तों एक मुकाबला दिल्ली वर्सेज सीएसके के बीच में 2019 में भी खेला गया था, यहां पर जो टीम चेस करने आई थी उस टीम ने मैच को विन कर लिया था, 7 विकेट दोस्तों स्पिनर्स ने निकाली थी, 6 विकेट यहां पर पेसर्स ने। उसके बाद 2016 में एक मैच और है, 8 विकेट स्पिनर्स को मिली थी, 5 विकेट दोस्तों यहां पर पेसर्स को मिली थी, यानी कि दोस्तों हम स्पिनर्स के अकॉर्डिंग भी सीवीसी ट्राई करके चल सकते हैं और एक ऐसी यूनिक ग्रैंड लीग टीम बन सकती है अगर आपने स्पिनर्स के अकॉर्डिंग कैप्टन प्लस वॉइस कैप्टनसी ट्राई किया है, तो दोस्तों आपकी एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम बनेगी, क्योंकि स्पिनर्स के अकॉर्डिंग कोई भी सीवीसी ट्राई करके नहीं चलेगा, ज्यादातर ऑप्शन दोस्तों पेसर्स के अकॉर्डिंग ट्राई करके चलेंगे और हम यहां पर पेसर्स को दोस्तों अवॉइड भी करके चल सकते हैं और सीवीसी में हम ड्रॉप करके चलेंगे। तो दोस्तों आप कैसे जीत सकते हो 1 रुपए में 50,000 रुपए,
तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे विन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दे रखा है, मैच से पहले डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आज ही डाउनलोड करें माई इलेवन सर्कल और बनाएं दोस्तों इस ऐप में अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम। क्योंकि यहां पर दोस्तों आप एक रुपए में, इसकी जो एंट्री फीस है ओनली एक रुपए है, एक रुपए में दोस्तों यहां पर आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। प्लस में दोस्तों यहां पर जो मिनिमम विनिंग प्राइस है वो दोस्तों आपको 1 करोड़ रुपए देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप लिंक डिस्क्रिप्शन वाले आइकन से क्लिक करके डाउनलोड करते हो और रजिस्टर करने के 1 घंटे पहले यहां पर अपनी टीम बनाते हो, तो यहां पर दोस्तों अगर आपने पहली बार डिपॉजिट किया है तो आपको यहां पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी देखने को मिल जाएगा। प्लस में दोस्तों 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और दोस्तों अब आपने देखा होगा रिसेंट में ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है दोस्तों आईपीएल में। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन पे खेल रहा हूं और काफी बढ़िया प्रॉफिट निकाल रहा हूं दोस्तों। जल्दी से आप भी जरूर डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। प्लस में मेरा रेफर कूपन जरूर लगाना, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफर है 1 रुपए में जो आप 50,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो, ये मेरे लिंक से ही एक्टिव होगा। प्लस में अगर आपने मेरा कूपन नहीं डाला तो दोस्तों आप वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जल्दी से दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। प्लस में यहां पर बनाएं अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम। उसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, जल्दी से जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं हेड टू हेड के, जो लास्ट के 10 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों केकेआर की टीम ने 3 मुकाबले विन किए हैं, दिल्ली की टीम ने 7 मुकाबले विन किए हैं। रिसेंट में दोस्तों कंटिन्यू दिल्ली की टीम 2 मुकाबले हारी है, उसके बाद दोस्तों इस टीम ने 1 मुकाबला विन किया है रिसेंट में। लेकिन दोस्तों केकेआर की टीम ने 2 ही मैच खेले हैं और दोनों के दोनों मुकाबले दोस्तों इस टीम ने विन किए हैं। अच्छी फॉर्म में है दोस्तों केकेआर की टीम अब रीसेंट 2024 में। लेकिन दिल्ली की टीम की बात करें तो 3 मैचेस खेल चुकी है, 3 में से 1 ही मुकाबला इस टीम ने रीसेंट में दोस्तों विन किया है। कॉम्बिनेशन दोनों टीमों के अकॉर्डिंग बना के चल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी। ओपनिंग बैट्समैन पृथ्वी शॉ, उसके साथ दोस्तों डेविड वॉर्नर, उसके साथ दोस्तों आपको ऋषभ पंत, मिचेल मार्च, स्टब्स, अक्षर पटेल, उसके बाद दोस्तों पोरल और नोकिया, फिर दोस्तों मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। ये दोस्तों फाइनली आपको दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। यहाँ से दोस्तों काफ़ी ऑप्शन है, ट्रंप प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे और एक खिलाड़ी ऐसा है दोस्तों दिल्ली की टीम की तरफ से जिसका लो सिलेक्शन है, आप उस खिलाड़ी को जरूर सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। ओपनिंग बैट्समैन की बात करेंगे पृथ्वी शो की, जो कि रीसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों जबरदस्त परफॉर्मेंस पे है। अभी रीसेंट में भी दोस्तों 43 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, उसके बाद 125 रन नाबाद। ये वाला दोस्तों मैच सीएसके के साथ था जिसमें 43 रन का परफॉर्मेंस किया था और इस खिलाड़ी ने अभी रीसेंट में पहला आईपीएल अपना खेला है 2024 में। उससे पहले वाले मैचों में दोस्तों जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आ रहा है और 9 मुकाबले इस खिलाड़ी ने हेड टू हेड में खेले हुए हैं, 405 रन है 45 के एवरेज स्कोर से। ग्राउंड पे दोस्तों 3 मैचेस खेल चुका है, 34 का एवरेज स्कोर है, आईपीएल फॉर्मेट में 25 का एवरेज स्कोर है। इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और इन दोनों खिलाड़ियों का दोस्तों एवरेज स्कोर बहुत ही खतरनाक है। बात करें अगर डेविड वॉर्नर की, जो कि रीसेंट के कंटिन्यू मैचों में दोस्तों इस खिलाड़ी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 27 मुकाबले इस खिलाड़ी ने हेड टू हेड में खेले हुए हैं, 1075 रन इस खिलाड़ी के नाम है, 44 का एवरेज स्कोर दोस्तों हेड टू हेड में है केकेआर के सामने, 44 का एवरेज स्कोर, 45 का एवरेज स्कोर पृथ्वी शॉ का, 5 मुकाबले दोस्तों इस खिलाड़ी ने ग्राउंड पे खेले हुए हैं, 50 का एवरेज स्कोर है, पिच पे भी खतरनाक बैटिंग है, आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों 43 का एवरेज स्कोर है। लगभग 180वां मुकाबला दोस्तों इस खिलाड़ी का होने वाला है। दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है और एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों कैप्टन आप डेविड वॉर्नर, वो इस कैप्टन आप पृथ्वी शो को ट्राई करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आपको ऋषभ पंत बैटिंग करते हुए नजर आएगा। रिसेंट में इस खिलाड़ी ने 51 रन का परफॉर्मेंस किया, उसके बाद दोस्तों 28 रन, उसके बाद 18 रन, हेड टू हेड में 14 मैचेस इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 302 रन है, 21 का एवरेज स्कोर हेड टू हेड में है। हेड टू हेड में लगभग दोस्तों ऋषभ पंत फ्लॉप होता है, ग्राउंड पे 33 का एवरेज स्कोर, आईपीएल फॉर्मेट में 35 का एवरेज स्कोर है। लगभग दोस्तों अभी के लिए अगर इस खिलाड़ी की बात करें तो अभी के लिए दोस्तों मैं विकेट कीपर ऑप्शन से इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके चलूंगा, जो कि मेरा रिस्की रहेगा। और आप इस खिलाड़ी को स्मॉल लीग टीम में ड्रॉप करके मत चलना, क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते। अगर आपने रिस्क लिया है, बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है, तो 10 मैचेस खेलोगे तो 1 मैच में दोस्तों आपकी ग्रैंड लीग भी लग सकती है।
उसके बाद बात करेंगे मिचेल मार्स की, जो कि रिसेंट में 18 रन प्लस में 0 विकेट, उसके बाद 23 रन, फिर 20 रन 0 विकेट, 26 रन 1 विकेट, ट्रंप प्लेयर हो सकता है दोस्तों मिचेल मार्स, क्योंकि रिसेंट में इस खिलाड़ी ने बॉलिंग भी करवाई है, हेड टू हेड में 3 मैचेज खेल चुका है, 20 रन इसके पास है, 6 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में हेड टू हेड में 2 विकेट भी है, ग्राउंड पे एक ही मैच खेला था जिसपे फ्लॉप था आईपीएल फॉर्मेट में, 36 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, 22 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, 665 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। अगर दोस्तों ये खिलाड़ी कंप्लीट 4 ओवर करवाएगा और बैटिंग आपको लगभग नंबर 4 पे ही देखने को मिलेगी या फिर नंबर 3 पे भी देखने को मिल सकती है, तो ये खिलाड़ी दोस्तों आपको यूनिक सीवीसी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4 ओवर में लगभग इस खिलाड़ी को 1 विकेट तो कंफर्म मिल सकती है हेड टू हेड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों स्टब्स, जो कि रिसेंट में फ्लॉप है, उसके बाद 44 रन, फिर 5 रन, 27 रन हेड टू हेड में, दोस्तों इस खिलाड़ी का पहला मैच होने वाला है, ग्राउंड पे एक ही मैच खेला था जिस पे ये खिलाड़ी फ्लॉप था, आईपीएल फॉर्मेट में 1 विकेट है, 15 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, टोटल 76 रन इस खिलाड़ी ने दोस्तों बैटिंग से बनाए हुए हैं। उसके साथ दोस्तों अक्षर पटेल, स्टब्स को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, अक्षर पटेल आपके लिए ट्रंप प्लेयर हमेशा रहता है, जो कि रिसेंट में आप देख भी सकते हो कंटिन्यू यहां पर परफॉर्मेंस है, एक मैच में दोस्तों 21 रन का परफॉर्मेंस, उसके बाद 15 रन नाबाद प्लस में 1 विकेट, उसके बाद दोस्तों 7 रन नाबाद प्लस में 1 विकेट, हेड टू हेड में 19 मैचेस खेले हुए हैं, बैटिंग से 18 का एवरेज स्कोर है, 147 रन है, प्लस में 13 विकेट भी इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, ग्राउंड की बात करें तो 4 मैचों में 10 रन है, प्लस में 3 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 114 विकेट निकाल चुका है, 21 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, टोटल 1457 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं। स्टब्स को अगर पिक कर रहे हो तो आप दोस्तों इसको ड्रॉप ही करके चलना, इसकी जगह आप अक्षर पटेल को ही ट्राई कर लेना, या फिर दोस्तों दोनों को भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो। उसके साथ दोस्तों अभिषेक पोरल विकेटकीपर ऑप्शन है, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में ये खिलाड़ी फ्लॉप है, यहाँ पर एक मैच में 32 रन नाबाद बनाए थे, ग्राउंड पे एक ही मैच इस खिलाड़ी ने खेला था, जो कि रिसेंट में 9 रन का परफॉर्मेंस किया था सीएसके के सामने, और हेड टू हेड में दोस्तों पहला मैच खेलने वाला है, आईपीएल फॉर्मेट में 16 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर्चन नोकिया, जो कि ट्रंप प्लेयर होगा, रिसेंट में ये खिलाड़ी सीएसके के सामने फ्लॉप था, बाकी के रिसेंट के कंटिन्यू 3 मैचों में 1-1 विकेट है, इस खिलाड़ी का हेड टू हेड रिकॉर्ड है, पर मैच ये खिलाड़ी आपको 2 विकेट निकाल के दे सकता है, हेड टू हेड के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 5 मैच इस खिलाड़ी ने हेड टू हेड में खेले हुए हैं, 10 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे एक ही मैच खेला था सीएसके के सामने, जिस मैच पे दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लॉप था, आईपीएल फॉर्मेट में 42 मैचेस खेल चुका है, 54 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, ट्रंप प्लेयर होगा, प्लस में लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है दोस्तों, ड्रॉप करके नहीं चलना है। उसके साथ दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से यहां पर आपको मुकेश कुमार, जो कि पिछले मैच का ट्रंप खिलाड़ी था और खतरनाक परफॉर्मेंस किया था, 3 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली थी, अगर आपने इस खिलाड़ी को वॉइस कैप्टन ट्राई किया होगा तो ग्रैंड लीग टीम में काफी अच्छी रैंक भी देखने को मिली होगी, हेड टू हेड में 1 मैच खेला हुआ है, 1 विकेट है, ग्राउंड पे दोस्तों 3 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 12 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, टोटल 12 मैचों में रिसेंट में दोस्तों कंटिन्यू इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है, और रिसेंट में दोस्तों अपना एक मैच ही खेला है जिसमें 3 विकेट के साथ इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया है। आज के मैच में फिर से दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, ड्रॉप करके नहीं चलना है, प्लस में ट्रंप प्लेयर होगा। उसके साथ दोस्तों ईशांत शर्मा, जो कि रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, और अभी के लिए दोस्तों ड्रॉप ही करके चलना, क्योंकि हेड टू हेड में ये खिलाड़ी बिल्कुल फ्लॉप है, 7 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 3 विकेट है, ग्राउंड पे 3 विकेट है, और आईपीएल फॉर्मेट में 84 विकेट है, टोटल 103 मैचों में। यहां से दोस्तों मुकेश कुमार को ट्राई करना, ईशांत शर्मा को आप ड्रॉप ही करके चल सकते हो। फिर दोस्तों फाइनल बॉलर यहां पर खलील अहमद, जिसका हेड टू हेड प्लस वेन्यू और रिसेंट तीनों फॉर्मेट में काफी अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, रिसेंट में भी दोस्तों 2 विकेट, यहां पर 1 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, हेड टू हेड में 4 मैच, टोटल 7 विकेट है, ग्राउंड पे 5 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 63 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है टोटल 46 मैचों में। यहां से दोस्तों दिल्ली कैपिटल के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस में यहां से बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों खलील अहमद आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, प्लस में वॉइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो अगर दिल्ली कैपिटल की टीम पहले बॉलिंग करवा रही है तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको स्टार्टिंग प्लस में डेथ में कौन सा बॉलर बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा, क्योंकि यह बात दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर हम बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों यहां पर खलील अहमद को सीवीसी ट्राई करना चाहते हैं तो खलील अहमद क्या स्टार्टिंग में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आएगा या फिर डेथ में बॉलिंग करवाएगा, तो ही आप कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई करके चलना। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको खलील अहमद, उसके साथ ईशांत शर्मा, फिर दोस्तों आर्चन नोकिया,
डेथ में दोस्तों यहाँ पर आर्चन नोकियर, मुकेश कुमार और खलील अहमद, ये खिलाड़ी दोस्तों आपको डेथ में और स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें इनके इंपैक्ट प्लेयरों के बारे में, प्लस में बेंच प्लेयरों के बारे में, कौन सा खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आ सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों होप ने एक मैच खेला हुआ है रिसेंट में, 33 रन का परफॉर्मेंस किया था, एक ही मैच इस खिलाड़ी ने खेला हुआ है, 33 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, और पृथ्वी शाह की जगह दोस्तों आपको ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद जैक फ्रेशर है, सुमित कुमार है, कुलदीप यादव जो कि इस पिच पर खेल सकता है, और दोस्तों इस खिलाड़ी का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है बहुत ही खतरनाक है, तीन ही मैच खेले हुए हैं, 10 विकेट निकाल चुका है, और इस खिलाड़ी को आप सीवीसी भी ट्राई करके चलना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी खतरनाक है बॉलिंग सेक्शन में, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आप स्पिनर्स के अकॉर्डिंग सीवीसी जरूर ट्राई करके चलना। तो यहां से कुलदीप यादव दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। एक बार दोस्तों मैं आपको यहां पर प्लेयर बैटल और दिखा देता हूं कि कौन सा बॉलर दोस्तों यहां पर ओपनिंग बैट्समैन को थोड़ा सा परेशान करता है। तो सबसे पहले दोस्तों पृथ्वी शो की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती 3 बार आउट कर चुका है केकेआर का, उसके बाद आंध्र रशल और सुनील नारायण अभी तक आउट नहीं कर पाए हैं, डेविड वार्नर दोस्तों 145 बॉल यहां पर सुनील नारायण ने करवाई है, 230 रन ये खिलाड़ी दे चुका है और 2 बार आउट किया है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती 2 बार कर चुका है, आंध्र रसल, मिचेल स्टार्क एक एक बार ये खिलाड़ी आउट कर पाए हैं। उसके बाद दोस्तों मिचेल मार्स, मिचेल स्टार्क 2 बार आउट कर चुका है, हर्षित राणा 1 बार कर चुका है, उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत, आंध्र रसल 3 बार, वरुण चक्रवर्ती 1 बार, सुनील नारायण को विकेट नहीं मिली है। अक्षर पटेल को दोस्तों सुनील नारायण 2 बार आउट कर चुका है, वरुण चक्रवर्ती 1 बार, मिचेल स्टार्क 1 बार आउट कर चुका है। तो ये दोस्तों फाइनली 5 खिलाड़ियों का आपको प्लेयर बैटल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है वरुण चक्रवर्ती, काफी बार नाम देखने को मिला है, यहाँ पर भी है वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऋषभ पंत के सामने दोस्तों वरुण चक्रवर्ती 1 बार आउट कर चुका है, अक्षर पटेल को भी 1 बार वरुण चक्रवर्ती आउट कर पाया है, 4 खिलाड़ियों को दोस्तों वरुण चक्रवर्ती 1 बार, 2 बार, 3 बार आउट कर चुका है। यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके नहीं चलना है, क्योंकि स्पिनर्स के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम जरूर बनानी है। बात कर लेते हैं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन फिलिप साल्ट, उसके बाद दोस्तों सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, सुरेश अय्यर, रिंकू सिंह और यहां पर दोस्तों रमनदीप सिंह, फिर आंध्र रसल, मिचेल स्टार्क और दोस्तों अनुकूल रॉय, फिर हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। ये दोस्तों फाइनली आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, ओपनिंग बैट्समैन क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, प्लस में दोस्तों नंबर 2 पे जो खिलाड़ी खेलता है उसका क्या परफॉर्मेंस है, नंबर 3 पे खिलाड़ियों का क्या परफॉर्मेंस है, और यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग सीवीसी ट्राई करके चलना है। सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन की बात करेंगे, फिलिप साल्ट विकेट कीपर ऑप्शन का सबसे सेफ खिलाड़ी रहेगा, रीसेंट के कंटिन्यू मैचों में इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है, और एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों आप इस खिलाड़ी को कैप्टन भी जरूर ट्राई करके चलना। हेड टू हेड वेन्यू पे इस खिलाड़ी का पहला मैच होने वाला है आईपीएल फॉर्मेट में, 30 का एवरेज स्कोर है, टोटल 302 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं, 11 मैच इस खिलाड़ी ने अभी तक खेले हैं दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में। नंबर 2 पे सुनील नारायण, जो कि दोस्तों आरसीबी के सामने खतरनाक बैटिंग की थी, 47 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, प्लस में 1 विकेट, उसके बाद 2 रन 1 विकेट, फिर 5 रन 0 विकेट, फिर 0 रन 1 विकेट। इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा क्योंकि ओपन करते हुए आपको नजर आएगा, प्लस में कंप्लीट 4 ओवर करवाएगा, और ये खिलाड़ी को दोस्तों चांसेस मिलते हैं कि 1 या 2 विकेट जरूर निकाल के दे पिच के हिसाब से। 22 मैचेस हेड टू हेड में 12 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, प्लस में 22 विकेट, ग्राउंड पे एक ही मैच खेला था जिसमें फ्लोप है, आईपीएल फॉर्मेट में 165 विकेट इस खिलाड़ी के नाम है। ये खिलाड़ी दोस्तों आपके लिए यूनिक ग्रैंड लीग टीम, यूनिक स्मॉल लीग टीम, मेगा ग्रैंड लीग टीम, तीनों फॉर्मेट में इस खिलाड़ी को आप सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। ये खिलाड़ी आपके लिए सेफ सीवीसी देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे बैटिंग करेगा, रीसेंट में दोस्तों आरसीबी के सामने 50 रन का परफॉर्मेंस किया था, उससे पहले दोस्तों 7 रन, फिर 27 रन, 0 विकेट, 71 रन नाबाद, प्लस में 0 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों ये खिलाड़ी फ्लोप है, 5 मैचों में 18 का एवरेज स्कोर, आईपीएल फॉर्मेट में 3 विकेट है, 28 का एवरेज स्कोर बैटिंग से। उसके साथ दोस्तों
श्रेयस अय्यर आज के मैच में फिर से ट्रंप प्लेयर होगा, क्योंकि पिछले मैच में मैंने आपको बताया था यहां से दोस्तों श्रेयस अय्यर को आपको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि उस खिलाड़ी का आरसीबी के सामने इस खिलाड़ी का दोस्तों हेड टू हेड प्लस में वेन्यू रिकॉर्ड दोनों खतरनाक थे। और इस मैच में दोस्तों इस खिलाड़ी का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, दो मैच इस खिलाड़ी ने अभी तक खेले हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल के सामने, 96 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं, 48 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, 4 मैच दोस्तों ग्राउंड पे 89 रन है, 22 का एवरेज स्कोर आईपीएल फॉर्मेट में, 32 का एवरेज स्कोर है। आज के मैच में फिर से ट्रंप प्लेयर होगा, ड्रॉप करके नहीं चलना है। उसके साथ दोस्तों रिंकू सिंह जो कि रिसेंट में 5 रन नाबाद, उसके पहले दोस्तों 23 रन, फिर 69 रन नाबाद, फिर 9 रन नाबाद, 16 रन नाबाद, हेड टू हेड में 2 मैच, टोटल 29 रन, 14 का एवरेज स्कोर बैटिंग से, ग्राउंड पे पहला मैच 35 का एवरेज स्कोर बैटिंग से दोस्तों आईपीएल फॉर्मेट में। उसके बाद दोस्तों रमनदीप सिंह रिसेंट में बैटिंग नहीं, फिर 35-3, 27 रन नाबाद, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था, 2 विकेट के साथ परफॉर्मेंस, आईपीएल फॉर्मेट में 6 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, लेकिन रिसेंट में इस खिलाड़ी ने बॉलिंग नहीं करवाई है, अभी के लिए ड्रॉप करके चलूंगा। रिंकू सिंह को ट्राई करके चल सकते हो, ट्रंप प्लेयर होगा पिच के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों पिच है वो बैलेंसड है, बैटिंग पिच होती तो हम यहां पर रिंकू सिंह को ड्रॉप करके चल सकते थे, लेकिन दोस्तों पिच आपको बैलेंसड पिच देखने को मिलेगी, यहां पर विकेट आपको थोड़ा सा जल्दी भी देखने को मिल सकती है। उसके साथ दोस्तों आंद्रे रसेल सीवीसी में अच्छा ऑप्शन होगा, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में परफॉर्मेंस भी है, 1 मैच में 2 विकेट, फिर दोस्तों 64 रन नाबाद प्लस में 2 विकेट, हेड टू हेड में 12 मैच इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 37 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, टोटल 334 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं, 14 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, एक मुकाबला दोस्तों ग्राउंड पे 19 रन है प्लस में 1 विकेट, आईपीएल फॉर्मेट में 114 मैचेस खेले हुए हैं, 100 विकेट कंप्लीट कर चुका है दोस्तों आईपीएल में, बैटिंग से 31 का एवरेज स्कोर है। उसके साथ दोस्तों मिचेल स्टार्क जो कि कंटिन्यू 3 मैचों से फ्लॉप है, लेकिन हेड टू हेड में इस खिलाड़ी ने विकेट निकाली हुई है, 4 मैचों में 6 विकेट, ग्राउंड पे पहला मैच है, आईपीएल फॉर्मेट में 34 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है। अभी के लिए दोस्तों मिचेल स्टार्क की बात करें तो ये खिलाड़ी अभी रिसेंट में कंटिन्यू फ्लॉप है, लेकिन पिच की बात करें तो पिच बॉलिंग को काफी ज्यादा हेल्प दे रही है, तो अभी के लिए दोस्तों मिचेल स्टार्क को जरूर आप वॉइस कैप्टनसी में ट्राई करके चल सकते हो, ये खिलाड़ी आपके लिए ट्रंप प्लेयर भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अनुकूल रॉय रिसेंट में एक खिलाड़ी फ्लॉप है, लेकिन हेड टू हेड में 2 विकेट इसके पास है, आईपीएल फॉर्मेट में 5 विकेट, हर्षित राणा कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके जा रहा है, हेड टू हेड में 1 विकेट है, आईपीएल फॉर्मेट में 11 विकेट ये खिलाड़ी निकाल चुका है, 1 मैच में 3 विकेट, फिर दोस्तों 2 विकेट, आज के मैच में फिर से आपको परफॉर्मेंस करके देगा, क्योंकि पिच बॉलिंग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे रही है, और हर्षित राणा दोस्तों रिसेंट में काफ़ी बढ़िया भी परफॉर्मेंस कर रहा है, पहला मैच सनराइज हैदराबाद के सामने 3 विकेट, फिर आरसीबी के सामने 2 विकेट, उसके साथ दोस्तों फाइनल बॉलर यहां पर वरुण चक्रवर्ती जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड 7 मैचों में 11 विकेट, रिसेंट में फ्लॉप है, और आज का मैच का ट्रंप प्लेयर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आपको वरुण चक्रवर्ती देखने को मिल सकता है, आईपीएल फॉर्मेट में 58 मैचेस खेले हुए हैं, 63 विकेट इसके पास है, ये दोस्तों फाइनली आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इनके स्टार्टिंग प्लस में डेथ में जो बॉलर बॉलिंग करवाएगा, स्टार्टिंग में दोस्तों मिचेल स्टार्क, उसके साथ हर्षित राणा, उसके साथ अनुकूल रॉय भी करवा सकता है, फिर दोस्तों सुनील नारायण, डेथ में दोस्तों सुनील नारायण फिर से रहेगा, मिचेल स्टार्क, आंद्रे रसेल और हर्षित राणा, यहां से हर्षित राणा को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो, मिचेल स्टार काफी अच्छा ऑप्शन है, सुनील नारायण आपके लिए सेफ सीवीसी ऑप्शन रहेगा, अनुकूल रॉय दोस्तों ट्रंप प्लेयर हो सकता है, ये आपको स्टार्टिंग प्लस में डेथ में जो बॉलर बॉलिंग करवाएगा वो खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों बेंच प्लेयरों के बारे में, रहमतुल्ला गुरबाज, नीतीश राणा और रदरफोर्ड, मनीष पांडे और सोयान शर्मा और दुष्मंता चमीरा, ये दोस्तों फाइनली 6 खिलाड़ी हैं जो आपको बेंच प्लेयर में या फिर इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। यहां से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनल प्लेइंग 11 में अपडेट होता है वो अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्लेयर बैटल के बारे में, तो सुनील नारायण, कुलदीप यादव 2 बार आउट कर चुका है, आर्चन नोकिया 2 बार कर चुका है, खलील अहमद 2 बार कर चुका है, ईशांत शर्मा 1 बार कर चुका है, तो शायद दोस्तों बैटिंग से आपको सुनील नारायण का इतना खास परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेंकटेश अय्यर, ईशांत शर्मा 1 बार, खलील अहमद 1 बार और 1 बार दोस्तों आर्चन नोकिया, 1 बार अक्षर पटेल, यहां से दोस्तों श्रेयस अय्यर 2 बार, कुलदीप यादव 2 बार, यहां पर खलील अहमद 1 बार, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह को दोस्तों 1 बार अक्षर पटेल,
आंध्र रसल को एक बार कुलदीप यादव, एक बार अक्षर पटेल। यहां से दोस्तों अक्षर पटेल प्लस में कुलदीप यादव दोनों स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खलील अहमद आपके लिए बॉलिंग सेक्शन से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। एक बार दोस्तों आपको मैं दिखा भी देता हूं फैंटेसी के सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन कौन कौन से खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो यहां से ओपनिंग बैट्समैन में दोस्तों डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, खलील अहमद, फिलिप सोल्ट, सुनील नारायण और आंध्र रसल, हर्षित राणा, ये टोटल 8 खिलाड़ी हैं जो आपको आज के मैच में सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। ट्रंप प्लेयरों की बात करें तो यहां से दोस्तों पृथ्वी शाह के बारे में मैंने आपको बताया है, ट्रंप प्लेयर होगा। मुकेश कुमार के बारे में बताया, ट्रंप प्लेयर होगा। सरेश अय्यर के बारे में भी बताया है और मिचेल स्टार को मैंने आपको वॉइस कैप्टनसी के लिए बोला है जो कि आपके लिए ट्रंप प्लेयर हो सकता है। ये दोस्तों फाइनली आपको फैंटेसी के सबसे ज़्यादा हाई सिलेक्शन प्लस में ट्रंप प्लेयर खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जल्दी से दोस्तों आज ही माई इलेवन सर्कल को डाउनलोड करें, प्लस में यहाँ पर बनाएं अपनी यूनिक ग्रैंड लीग टीम, क्योंकि दोस्तों माई इलेवन सर्कल आपके लिए स्पेशल ऑफर दे रहा है, प्लस में स्पेशल गिव वे प्राइज है। एक रुपये में आप 50,000 रुपये का प्राइज विन कर सकते हो, प्लस में दोस्तों यहाँ पर मिनिमम फर्स्ट प्राइज आपको 1 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी देखने को मिलेगा पहली बार डिपॉजिट करने पर। उसके साथ साथ दोस्तों आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन पर मैं दोस्तों खेल रहा हूं, मैंने अपनी टीम यहां पर बना ली है। अगर आपने नहीं बनाई है तो जल्दी से दोस्तों डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आज ही डाउनलोड कर लेना माई इलेवन सर्कल, प्लस में मेरा रेफर कूपन जरूर लगाना, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ऑफर का मजा लेना है तो तभी ये सारे के सारे ऑफर आपके एक्टिव होंगे, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके प्लस में मेरा रेफर कूपन डालते हो। तो अब बात करेंगे दोस्तों फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में। यहां से दोनों विकेट कीपर आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों यहां से दोस्तों बैटिंग ऑर्डर, यहां पर मैंने पृथ्वी शो को ड्रॉप किया है, डेविड वॉर्नर है, वेंकटेश अय्यर दोनों टीमों में आपको देखने को मिलेंगे, आंध्र रसल दोस्तों यहां पर आपको दोनों टीमों में देखने को मिल जाएंगे, एक टीम में मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, नीचे दोस्तों खलील अहमद, हर्षित राणा, यहां पर दोस्तों हर्षित राणा, मुकेश कुमार और खलील अहमद। अगर बात करें दोस्तों मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम के बारे में कि मैं किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपर ऑप्शन में लगभग दोस्तों मैं चांसेस पे रखूंगा कि दोनों विकेट कीपर को ही ट्राई करके चलूं। सबसे पहले दोस्तों यहां से फिलिप साल्ट को भी लेके चलूं और ऋषभ पंत को भी, दोनों खिलाड़ियों को लेके चलूं। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में दोस्तों पृथ्वी शो यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, डेविड वॉर्नर भी कंटिन्यू परफॉर्मेंस पे है, सरेश अय्यर यहां पर मेरा ट्रंप प्लेयर होगा, तीन यहां पर मैं ऑप्शन रखूंगा अभी के लिए बैटिंग ऑर्डर में। प्लस में दोस्तों रिंकू सिंह को भी ट्राई करके चलूंगा क्योंकि वो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहां से पृथ्वी शो की बात करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं रिस्क जरूर लेके चलूंगा क्योंकि प्लेयर बैटल में इस खिलाड़ी का थोड़ा सा कमी परफॉर्मेंस है। उसके साथ दोस्तों ऑलराउंडर ऑप्शन में सुनील नारायण बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, आंध्र रसल, अक्षर पटेल का प्लेयर बैटल में काफ़ी बार नाम देखने को मिला है तो ये खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर हो सकता है, मिचेल मार्श मेरा ट्रंप प्लेयर या फिर दोस्तों अक्षर पटेल ट्रंप प्लेयर, दोनों में से एक खिलाड़ी रहेगा। उसके साथ दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों हर्षित राणा, खलील अहमद, उसके साथ दोस्तों मुकेश कुमार, कुलदीप यादव खेलेगा तो वो भी मेरी टीम में रहेगा क्योंकि कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये चार तो दोस्तों मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे बॉलिंग सेक्शन में। और ऑलराउंडर की बात करें तो आंध्र रसल मेरा कंप्लीट है, विकेट कीपर में लगभग दोनों विकेट कीपर रहेंगे, बैटिंग सेक्शन में थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके चलूंगा, लगभग सेम बैटिंग ऑर्डर ट्राई करूंगा। कैप्टनसी की बात करें तो यहां से दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो यहां पर सुनील नारायण को मैं जरूर सीवीसी ट्राई करके चलूंगा क्योंकि ये खिलाड़ी मेरा ट्रंप प्लेयर होगा। अगर दोस्तों बॉलिंग करवाती है तो फिर मैं आंध्र रसल को सीवीसी ट्राई करके चलूंगा क्योंकि आंध्र रसल डेथ में भी बॉलिंग करवाएगा और शायद चांसेस हैं कि इस खिलाड़ी को 2 की बजाय 3 विकेट मिल सके, प्लस में ये खिलाड़ी मेरा यूनिक सीवीसी में देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मेरी फाइनल फैंटेसी प्लस में यूनिक ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाले लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।